नमस्ते, वेलकम बैक टू मील्स एंड न्यूज़। यार, आप भी लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे गैसिटिक ब्लोटेड फील कर रहे हैं तो आज का ये एपिसोड स्पेशली आपके लिए है कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही आसान सा आसन, पवन मुक्त आसन। जैसे कि नाम खुद बता रहा है, इस आसन को करने से हमें पवन से मुक्ति मिलती है। पवन माने हमारे पेट, हमारे इंटेस्टाइन में ट्रैप्ड टॉक्सिक गैसेस से हमें राहत मिलती है। इसके अलावा अगर आप इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, अगर आपके स्टिफ शोल्डर्स हैं या आपकी नेक में जकड़न है, तो भी इस आसन को करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। सो देखते रहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि पवन मुक्त आसन करना किस तरह से है। अपने मैट पर सीधे लेट जाएं, आपके पैर सीधे रहेंगे, हाथ शरीर के पास इस तरह से। अब एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते वक्त अपने दोनों घुटनों को अपने छाती के जितने करीब आप ला सकें ले आएं। आपकी एड़ी आपके हिप्स को टच करने की कोशिश करेगी और पंजे इस तरह से पॉइंटेड रहेंगे। अब धीरे से अपने हाथों को अपने घुटनों पे इस तरह से बांध लें जैसे कि आपने अपने घुटनों को टाइट हग कर रखा है। नॉर्मल गति से सांस लेते और छोड़ते रहें। सांस छोड़ते वक्त अपना सर उठाएं और धीरे से अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। इस तरह आप चाहें तो अपनी दाढ़ी यानी कि अपने चिन को भी घुटने पर लगा सकते हैं। सांस धीमी गति से लेते और छोड़ते रहें। हर बार जब आप सांस छोड़ें, आप अपने घुटनों पर अपनी ग्रिप को और टाइट कर लीजिए जिससे कि आपके एब्डोमिनल पे और प्रेशर आ सके। इस आसन को करते वक्त ही आपको अनवांटेड गैस, टॉक्सिक गैस, जो भी आपके इंटेस्टाइन और पेट में है, उससे राहत मिलेगी। इस आसन को आप 1 मिनट तक होल्ड करें। आसन से बाहर आने के लिए धीरे से अपनी गर्दन को सीधा करें, सर को मैट के ऊपर वापस ले आएं, अपने हाथों को रिलीज करके मैट पर ले आएं, धीरे से घुटनों को सीधा करते हुए मैट पर ले आएं एंड रिलैक्स। तो देखा आपने कितना आसान सा था ये आसन। आई होप आप इस आसन की जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।